What's up guys, welcome back to my channel. तो आज बहुत ही डल डे है, बहुत बारिश हो रही है, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा. एवरीथिंग इज जस्ट वियर्ड एंड डिफरेंट. एंड रिसेंटली समथिंग रियली वियर्ड हैपन टू मी. तो क्या हुआ है कि एक बंदा है, मतलब ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे अब बात हो रही थी तो मैंने भी बात किया, नो लाइक नॉर्मल चैट. एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही इज टेलिंग मी आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग. तो मैंने बोला यार मैं तो तुम्हें कभी मिली विली नहीं हूँ, तो मैं ऐसे कैसे किसी से गिफ्ट ले लूँ यार, गलत बात है ना. तो मैंने बोला कि नहीं ब्रो, आई कांट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, सॉरी आई डोंट इवन नो यू एंड फॉर नाउ आई डोंट इवन कंसिडर यू एज अ फ्रेंड. एंड सडनली ये बंदा मेरे को बोलता है कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ लॉन्जरी. तो मैंने बोला कि आई डू नॉट गेट एंग्री, आई ट्राई टू टॉक टू हिम वेरी काम वे में. एंड मैंने बोला कि भाई मैं तेरी बंदी नहीं हूँ, ना मैं तेरी कोई फ्रेंड हूँ. इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई दोस्त ही वुडंट हैव द बॉल्स टू इवन you know ask me something like that ki I want to gift you a lingerie and shit like that. I mean no, koi bhi nahi karega, koi kisi ne aaj tak aisi himmat ki bhi nahi, aur ye bande ko pata nahi ye himmat kahan se aa gayi. And maine bola ki yaar tu pagal wagal hai, to mere ko bolta hai ki you will be able to you know carry the lingerie very well. Okay, theek hai, wo meri baat hai, tune matlab mujhe imagine kiya, matlab kitna cheap aur cheepda banda hai ye. How cheap he is. I don't want to take out his name and things like that. It was really cheap of him. And मैंने तो उसकी मतलब वाट लगा दी यार, मतलब मैंने तो बहुत ही गालियाँ डाली. मतलब जितने मेरे दोस्त ये वीडियो देखने वाले उन लोगों ने तो डेफिनेटली इमेजिन कर लिया रहेगा कि क्या लेवल पे मैंने उसको गाली दी रहेगी. और मैंने उस बंदे को ये भी बोला, ये चीज़ अगर मेरे घर पे आती है ना, तो मैं तेरे घर आऊँगी और तेरे माँ बाप को बताऊँगी कि ये आपका चीपड़ा बच्चा हर लड़की को ऐसे बातें करता है और उसके घर में ये भेजता है, ये लौंडे की शादी कराओ. ही हैज़ टू गेट मैरिड डूड, आई थिंक ही स्टिल यू नो अ किड, मतलब दिमाग से, मतलब उसको, मतलब क्या, मेरे को नहीं पता ऐसे लोगों को क्या बोलते. मतलब दिस इज रियली इरिटेटिंग. एंड गाइज हु आर गोना वॉच दिस वीडियो, डूड यू कैन जस्ट गो एंड आस्क अ रैंडम चिक टू यू नो जस्ट फकिंग बाय अ लॉन्जरी फॉर हर और समथिंग. क्या डेट वगैरह पे ले जाओ, तुम अच्छी अच्छी बातें करो, ये कहाँ का होता है यार. मतलब ऐसे चीप लोग कहाँ से है. मतलब आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड अबाउट दिस. मेरा फ्रेंड ने मुझे बोला कि कहाँ से ढूंढ के लाई तू इसको, मतलब क्या मैं कहीं से ढूंढ के नहीं लाई हूँ, वो रैंडमली मेरे को मैसेज आ गया है एंड वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग. मैंने तो कोई फ्लर्ट वगैरह भी नहीं किया, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल चैट. हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, दिस एंड दैट, नॉर्मल बेसिक चैट. एंड उस पर अगर कोई ये सारी चीज, ठीक है तुमको गिफ्ट भी करना है तो यार कपड़े गिफ्ट करो, जूते गिफ्ट करो, घड़ी गिफ्ट करो, कैप गिफ्ट करो, चश्मे गिफ्ट करो. ये क्या बात होती है, दैट्स समथिंग रियली पर्सनल, दैट्स समथिंग रियली पर्सनल टू मी. इवन इफ आई वॉन्ट टू शो ऑफ माई लॉन्जरी, वाई विल आई डू इट टू हिम, आई विल शो इट ऑफ टू माई हस्बैंड, हूएवर इट विल बी. आई मीन मतलब मैं एक बेसिक बात कर रही हूँ कि इट्स अ फ्री वर्ल्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम किसी को भी कुछ भी पूछो यार. आई नो, आई मीन आई डोंट नो, I just felt like sharing it on my vlog because I want people to know. ऐसे लोग भी होते हैं. मतलब मैंने उससे बात किया था क्योंकि उसने मेरे जब when I lost my father, he messaged me, you know, saying I am really sorry. I know what you're going through and this and that. ये ना बोना. And that is the reason I replied to him कि thank you for your condolences. ये है वो. एंड देन हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, वॉट डू यू डू. मैं फिर बाद में तुम्हें से मतलब डायरेक्टली दो तीन दिन में लॉन्जरे खरीदना चाहते हो मेरे लिए, और तुमको ये भी मालूम है कि आई विल बी एबल टू यू नो कैरी द लॉन्जरे वेल. अरे तू कौन है, तू कौन है भाई, मतलब तू कौन है, तुझे कैसे पता. मतलब कहीं ना कहीं ही हैज़ इमेजिन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. दैट इज़ वॉट इज़ मेकिंग मी फील वियर्ड.
इसलिए मुझे चाहिए कि गर्ल्स डूड बीवेयर ऑफ सच मैन, डोंट टॉक टू दिस पीपल. बीइंग सो स्ट्रांग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग डूड. अब तो मुझे इतना पता है कि वो बंदा किसी भी लड़की को ये क्वेश्चन तो अगली बार पूछ ही नहीं सकता, पूछ ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने उसकी उतनी बजा दी है. मतलब मेरे दोस्तों को पता है मैंने किस लेवल पे बजाई होगी. वो नहीं कर सकता कुछ, मतलब कुछ नहीं कर सकता. सो आई थिंक एवरीबडी, गर्ल्स डूड बेवेयर, ऐसे लड़कों से बात ही नहीं करना चाहिए. हर एक लड़का तुमको कहीं ना कहीं वो लेवल पे इमेजिन करता ही है, बट हिम्मत नहीं होती यार उनको ये चीज़ बताने की. बट इसने हिम्मत भी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा संभल लेना चाहिए, बात करना नहीं चाहिए. थोड़ा जो भी कंसर्न भी शो करता है वो भी अंत में ऐसा बीप निकलता ही है. तो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स टू डल्स.